हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज का हम उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियां आपको देना चाहेंगे। तो दोस्तों, इसमें से कुछ लोग जो हैं प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, एमएससी। तो यदि आप कर रहे हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको असाइनमेंट डाउनलोड करके उसको जमा करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, upitou.ac.in पे जाना है। फिर नीचे आपको ऐसे आना है, तो ये देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट कॉर्नर बना रहता है, इस पर ऐसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही ये खुल जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। तो दोस्तों ये देखिए खुल चुका है। तो आपको जाना है इसमें असाइनमेंट पेपर में, नीचे देखिए असाइनमेंट पेपर, इस पर ऐसे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही जो है ये आपका असाइनमेंट खुल जाएगा। तो किस सन का है, देखिए आप किस सन का दे रहे हैं। तो आप दे 23-24 का है, तो 23-24 पे ऐसे क्लिक कर दीजिए असाइनमेंट पेपर्स पे, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, कुछ नेट की प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और ये आपका अवेयरनेस या सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो मान लीजिए आपने बीए भरा है किसी सिंगल सब्जेक्ट से, तो ये देखिए CSSHY लिखा है, यानी कि सर्टिफिकेट सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री। आइए इसको देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक कर देंगे तो असाइनमेंट जो है आपका इसमें लिखा रहेगा। तो उस असाइनमेंट को आपको जो है कॉपी पे लिखना है। कॉपी आप प्रैक्टिकल कॉपी जो है आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, उसी में नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज एकल विषय इतिहास में प्रमाण पत्र कार्यक्रम। तो देखिए इतिहास का, यदि आप सिंगल सब्जेक्ट हिस्ट्री से कर रहे हैं तो इस असाइनमेंट को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो है इसमें देखिए प्रश्न जो है, इन प्रश्नों को जो है प्रैक्टिकल कॉपी में लिख के इसके आंसर लिखने हैं। तो यही आपका जो है असाइनमेंट है। और देखते हैं नीचे, ये देखिए एकल विषय इतिहास में प्रमाण पत्र कार्यक्रम। ये देखिए आपका कोर्स टाइटल, तो जो आपका कोर्स टाइटल है वही असाइनमेंट जो है आपको लिखना है, अगर जो आपका है देख लीजिएगा आप। तो अभी इतिहास का ही दिया है, अभी और दिया नहीं हुआ है। संस्कृत का है, हिंदी का है, ज्योग्राफी का है। तो इस प्रकार से आप चेक करते रहिए और ये असाइनमेंट आपकी जो है, सर बता रहे थे कि नवंबर तक जमा होती है। तो आप पता करते रहिए अपने सर से या कॉलेज में जो है कॉन्टैक्ट करती रही लगातार, जिससे आपका असाइनमेंट छूटने ना पाए। और किसी प्रकार की जानकारी, किसी प्रकार का एडमिशन के लिए, आप एडमिशन की जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।